नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। पुलिस ने पकड़ा मोटरसाइकिलों का जखीरा। जनपद मुजफ्फरनगर में क्राइम ब्रांच व थाना सिविल लाइन कोतवाली की संयुक्त टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक कबाड़ी की दुकान पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस को मौके से भारी मात्रा में मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जबकि एक फरार है। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आर्य समाज रोड का है, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सोनू नाम का मोटरसाइकिल मिस्त्री, जो कि कबाड़ का भी काम करता है, चोरी की मोटरसाइकिल खरीद कर काटने का काम करता है, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर छापेमारी की तो पुलिस को मौके से भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के इंजन टायर व अन्य उपकरण बरामद की है। पुलिस ने दुकान से भारी मात्रा में मोटरसाइकिल पार्ट्स को कब्जे में लेकर दुकान पर सील लगा दी है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जनपद में पिछले काफी समय से भारी मात्रा में वाहन चोरी हो रहे थे, जिससे वाहन चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था और आए दिन किसी न किसी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो जाते थे। इस छापेमारी के बाद पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में कमी आने की संभावना है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। ये थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा आज सूचना के आधार पे एक दुकान पे दबिश दी गई और उस पे तलाशी लिया गया तो दो लोगों को मौके से अरेस्ट किया गया है। एक उनका तीसरा साथी मौके से भागने में सफल रहा है और जब दुकान पे मेमो तैयार किया गया तो उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे इंजन जो मोटरसाइकिलों के कटे हुए इंजन है, साबुत इंजन है, प्लस मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और चार से पांच गाड़ियां जो है मोटरसाइकिल साबित जिनके नंबर घिसे हुए हैं वो रिकवर हुई हैं। इस तरीके से ये पूरा चोरी का मामला, वाहन चोरी से रिलेटेड मामला है और उस पर आगे अभी दबिश की कार्रवाई की जा रही है। सुबह तक संभावना है कि और भी रिकवरी हो जाएगी। कितने आरोपी होंगे? अभी दो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी का मेन वर्क क्या है? देखिए, आरोपी का मुख्य कार्य तो मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान है वो, लेकिन उस मोटरसाइकिल मरम्मत की आड़ में वो एक फिरोज नाम का जो वाहन चोर है उससे वाहन चोरी के वाहन खरीदता था। ये फिरोज नामक जो वाहन चोर है ऑलरेडी कोतवाली से जेल जा चुका है, वहाँ से गैंगस्टर में वांटेड चल रहा है और अभी फरार है। उससे ही इस अमजद और सोनी नाम का जो आज अरेस्ट हुआ है उसका लिंक है। अभी आज की कार्रवाई हुई है, अभी तो उससे पूछताछ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अरेस्टिंग हुई है, दबिश चल रही है और रिकवरी की कार्रवाई चल रही है, तो अभी और भी जो जो चीज़ें सामने आएंगी वो कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो इंजन रिकवर हुए हैं उनमें इंजन नंबर मिटे हुए हैं।